तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसा गांव दिखाने जा रहा हूं जिस गांव में कोई एमएलए नहीं है, जिस गांव में कोई सरकार नहीं है। ये बात मैं क्यों बोला, आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ियां पानी के नीचे से जा रहा हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल हाईवे, आप लोग देख रहे हैं कि ये हाईवे है और रास्ता के साइड से लकीर खींचा गया, मतलब ये इंटरनेशनल हाईवे है। लेकिन अब इस रास्ता की हालात देख रहे हैं कि लोग रास्ते में मछलियां मार रहे हैं। सबसे अजीब बात है कि लोग हाईवे में मछलियां मार रहे हैं और गाड़ी को देख सकते हैं कि गाड़ियां तेज से जा रही हैं। मारुति को देख रहे हैं कि मारुति पानी के नीचे से आ रहे हैं। गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये गांव है हमारा डिस्ट्रिक्ट असम में, एक डिस्ट्रिक्ट है साहू सलमारा माइनकच्चन, और इस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मानुल्ला पारा मोयना बांदा। और आप लोग देख रहे हैं कि मोयना बांदा की हालात क्या हो गया, पानी से पूरा रास्ता खराब हो गया, लोग पानी में घड़ियां चला रहे हैं, लोग रास्ते में मछलियां मार रहे हैं। देख सकते हैं लोग रास्ते में मछलियां मार रहे हैं, गाड़ियां देख सकते हैं। तो यही खत्म नहीं, मैं एक घर भी दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को कि घर की हालात सिर्फ एक नहीं, पहले आप लोग रास्ता की हालात देख लो कि रास्ता में घड़ियां कैसे जा रहे हैं। आप लोग अगर मोयना बांदा से देख रहे हैं या असम से देख रहे हैं या माइनकच्चर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंच जाए कि हमारे मोयना बांदा में लोग कैसे जी रहे हैं, हमारे माइनकच्चर डिस्ट्रिक्ट में लोग कैसे जी रहे हैं। अभी आप इस घर के हालात देख सकते हैं कि आदमी रहने के लायक नहीं, घर में पानी घुस गया, मछली घर में जाके भाषा बना रहा है, लोग कैसे रहेंगे इसका कोई इंतजाम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक ही घर नहीं, देखिए लोग घर में द्वार में किस तरह के पानी बह गया, लोग कैसे रहेंगे, लोगों को कोई समस्या दूर नहीं हो रहा है। तो आप लोग ज्यादा श्यार की दिए और सरकार से निवेदन है कि सरकार इस गांव का थोड़ा सा भी ख्याल ले, थोड़ा सा भी ख्याल रखे तो हमारे लिए भला होता, सबके लिए भला होता। जय हिंदी।